हेलो फ्रेंड वेलकम टू तो सोम क्लासेस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑन पेपर 2019 का हल कक्षा 10 विज्ञान सेट टू ठीक है तो आज हम क्या करेंगे ऑन पेपर 2019 का सेट दो है इसको हल करेंगे और ये कक्षा 10 का विज्ञान है ठीक है क्या है कक्षा 10 का विज्ञान है इसको हम दो पार्टों में सॉल्व करेंगे इसीलिए हमने यहाँ पर पार्ट वन लिख दिया है आप देखें ठीक है ये अनसोल्ड है Uh, 2019 विज्ञान uh, केवल प्रश्न पत्र सेट दो बी के ठीक है सेट दो बी के पार्ट वन इसलिए हमने लिख दिया है क्योंकि ये प्रश्न पत्र पूरा जो है काफ़ी लंबा है तो सॉल्व करने में आ, इसको काफ़ी समय लग जाता है ठीक है uh, तो फिर जो तो है इसका जो सॉल्यूशन हम आपको करवाएंगे वो दो पार्टों में करवाएंगे ठीक है ये पूरा देखिए तो हम लगभग आज जो है छः प्रश्न तक सॉल्व करवा देंगे ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ठीक है आप ये भी जान लीजिए कि तो जितने भी प्रश्न पत्र हैं सभी तीन खंडों में बटे हुए हैं ये हमने पहले भी आपको बता दिया है और समय भी बता चुके हैं ठीक है और इसमें पहला प्रश्न आप देखिए पहले का का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है पहला विकल्पीय प्रश्न है ठीक है इसमें चार प्रश्न दिए हुए हैं तो इसमें का क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा यानी उसकी वस्तु की स्थिति पूछ रहा है कि वस्तु को कहाँ रखना होगा तो अवतल पर दर्पण द्वारा ठीक है यदि वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखना हो तो हमें इसके जो है फोकस और ध्रुव के बीच में जो है वस्तु को रखना होगा ठीक है तो पहला तो सही नहीं होगा क्योंकि ये केंद्र पर रखने के लिए कह रहा है वक्रता केंद्र पर दूसरा कह रहा है फोकस बिंदु पी पर ठीक है और आइए तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है तीसरा कह रहा है दर्पण के वक्रता केंद्र से और उसके फोकस बिंदु यफ पर ठीक है तो ये भी नहीं यानी कि चौथा इसमें दिया हुआ है दर्पण के ध्रोपी और उसके फोकस बिंदु यफ के बीच ठीक है तो यही सही है कि दर्पण के ध्रोपी और फोकस के फोकस बिंदु जो यफ है इसके बीच में जब आप वस्तु को रखेंगे तो उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देख पाएंगे ठीक है अगला प्रश्न है विकल्प में ठीक है क्या दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का दर्पण का उपयोग करना चाहिए ठीक है किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए तो दूर दृष्टि दोष है ठीक है तो पहले हम ये जानेंगे लेंस का उपयोग करेंगे कि दर्पण का ठीक है तो दोष में हम जो है लेंस का उपयोग करते हैं ठीक है किसका उपयोग करते हैं लेंस का उपयोग करते हैं तो कौन सा लेंस इसमें लगाएंगे ठीक है कौन से लेंस से क्या है निकट दृष्टि दोष दूर होगी तो वो है अवतल लेंस ठीक है निकट दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो इसमें विकल्प दो सही है अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है ठीक है क्या दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है जब हमने विद्युत अध्याय आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था ठीक है तो आप गैस कर सकते हैं क्या है वैसे हम तो आपको बताएंगे ही ठीक है इसमें है वाट सेकेंड क्या है वाट सेकेंड जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है अगला है घा कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है ठीक है तो क्या कह रहा है स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाली की दिशा ज्ञात करने का जो नियम है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ठीक है क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या है अगर ये आपका बाया हाथ है तो आप अपने तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि आपका जो ये मध्यमा सॉरी तर्जनी है ठीक है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए ठीक है चुंबकीय क्षेत्र इसको पहले तीनों को लंबवत फैलाएंगे ठीक है अगर ये आपकी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ठीक है मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा तो आपका जो ये अंगूठा है ठीक है ये क्या करेगा ये चालक में प्रवाहित चालक पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा को बताएगा ठीक है ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो ये हो गया प्रश्न एक के चारों बहुविकल्पीय ठीक है उसके बाद आता है प्रश्न दो प्रश्न दो में क्या कहा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या है ठीक है इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा दूरदृष्टि दोष क्या है इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा तो दूरदृष्टि दोष नेत्र का ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं ठीक है लेकिन क्या है कि ये निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता और इसको दूर करने के लिए ठीक है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है आप याद रखिए इसमें दूर लिखा हुआ है तो इसमें बड़ा हुआ रहा है ठीक है तो यानी कि उत्तल लेंस ठीक है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दृष्टि दोष में अगर कहीं भी पूछा जाए कि इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग ठीक है आ, तो ये हो गया आपका प्रश्न दो का का उसके बाद आता है प्रश्न दो का खा कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं ठीक है क्या प्रश्न है प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं तो इसका उत्तर होगा कि प्रकाश जो है हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच जो अन्य क्रिया होती है इसी के कारण क्या है प्रकृति में हम जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको देख पाते हैं आकाश का नीला रंग गहरे समुद्र के जल का रंग ठीक है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रक्ताव यानी कि लाल दिखाई देता है ठीक है कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं हैं जिसे हम देख सकते हैं जिनसे परिचित हैं ठीक है और क्या है कि यदि कोलाइडि विलियन में हमने इसको जो है बताया भी है कि कोलाइडिविलियन में आप प्रकाश डालिए तो क्या होता है प्रकाश बिखर जाता है ठीक है तो क्या है किसी वास्तविक विलियन से गुजरने वाला प्रकाश किरणपुंज का मार्ग जो है उसमें हमें दिखाई नहीं देता तथा किसी कोलाइटी विलयन में जहाँ कड़ों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है वहाँ मार्ग दृश्य हो जाता है ठीक है दिखाई देने लगता है तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है प्रकीर्णन यानी फैलाव ठीक है तो क्या है ये हमारा धूल के कण जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं ठीक है इनसे प्रका आने वाला जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो टकरा टकराने के बाद क्या है प्रकीर्णित हो जाता है ठीक ठीक है फैल जाता है प्रक्रिया को क्या कहा जाता है प्रकाश का परकीर्णन कहा जाता है अगला प्रश्न एक न्यूमेरिकल है ठीक है आंकिक प्रश्न है इस प्रश्न को हमने पहले सेट में सॉल्व कराया है ये प्रश्न पहले सेट में भी पूछा था कि कांच का अपवर्तनांक एक दशमलव पाँच है वायु में प्रकाश की चाल तीन गुणे दस की घात आठ मीटर पर सेकेंड है तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी ठीक है तो इसके लिए फार्मूला है आप फार्मूला जान लीजिए या फिर सॉल्व भी करवा देते हैं ठीक है अपवर्तनांक यानी कि एन इज इक्वल टू सी अपन स्पीड इन मीडियम ठीक है वेलोसिटी इन मीडियम ये एन अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है कितना वन पॉइंट फाइव जो सी है ये कितना होता है सी कितना होता है इसमें दिया हुआ है तीन गुड़े दस घात आठ ठीक है आठ मीटर पर सेकेंड ये जो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है ठीक है मीडियम का जो आप वर्तनांक है मैं दिया हुआ है इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो ये वी एम को हम यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी इन मीडियम ठीक है यानी कि कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं वी एम की जगह वी जी भी लिख सकते हैं इन ग्लास ठीक है इतना हो गया उसके बाद क्या करेंगे ये थ्री इन टू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड ये डिवाइडेड बाई यहाँ ये वन पॉइंट फाइव नीचे आ जाएगा और थ्री को यदि वन पॉइंट फाइव से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टू और ये इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख देंगे यानी कि जो किस में पूछ रहा है ग्लास में कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है तो कांच में प्रकाश की चाल आ गई दो गुड़े दस की घात आठ मीटर पर सेकेंड ठीक है तो ये हो गया आपका प्रश्न दो प्रश्न दो आपके हो गए अब प्रश्न तीन है ठीक है प्रश्न तीन है तीसरे प्रश्न में दो खंड दिया हुआ है का और खा ठीक है और दोनों में अथवा अथवा करके भी दिया हुआ है तो इसमें क्या है कि दो खंड दिया हुआ है का और खा दोनों में अथवा भी दिया है तो आप इन एक में से जैसे का में एक प्रश्न दिया उसका एक अथवा दिया तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं ठीक है हम आपको यहाँ पर दोनों बता देंगे ठीक है दोनों कैसे करना है वो बता देते हैं तो इसमें से आपको जो एग्ज़ाम में करना होता है या तो आप अथवा वाला कीजिए या फिर जो सीधे प्रश्न दिया है खंड करके वो कीजिए तो पहले प्रश्न का में क्या कहा एक चित्र बनाया हुआ है चित्र आपको दिख रहा है ठीक है चित्र में हाँ, प्रतिरोधों का एक समांतर क्रम दिया हुआ है ठीक है यहाँ पर इस सर्किट बनी हुई है यानी कि एक परिपथ बना हुआ है परिपथ में कुछ प्रतिरोध आर वन आर टू आर थ्री करके दिए हुए एक अलग प्रतिरोधों का संयोजन भी है यहाँ पर ठीक है इसमें भी दो प्रतिरोध जो है वो समांतर कर्म में जुड़े हुए हैं तो पहले हम क्या करेंगे आर वन आर टू आर थ्री का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और यहाँ पर आर फोर और आर फाइव का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे ठीक है यानी इन दोनों प्रतिरोधों को आ, किस एक प्रतिरोध से हटा सकते हैं ठीक है उसकी प्रतिरोधकता कितनी है उसे हम निकाल लेंगे उसके बाद दिया है कि इसमें जो आधा वोल्टेज वो है या विभवांतर है वो अट्ठारह वोल्ट है इस सर्किट में तो हमें क्या करना है इस सर्किट में ठीक है धारा की गणना करना है किसकी गणना करना है विद्युत धारा की गणना करना है ठीक है तो आइए देखते हैं इसमें हल करते हैं इसमें आर वन दिया हुआ है आर वन इज इक्वल टू दिया हुआ है पंद्रह ओम ठीक है कितना दिया हुआ है पंद्रह आर टू बराबर दिया हुआ है दस ओम और आर थ्री बराबर दिया हुआ है तीस ओम ठीक है कितना दिया हुआ है तीस ओम दिया हुआ है तो इसका हमें क्या करना है तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है ठीक है तो ये किस क्रम में है आप देखिए ये तीनों जो हैं आर वन आर टू और आर थ्री ये समांतर क्रम में है ठीक है किस क्रम में है समांतर क्रम में और समांतर क्रम में जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है ठीक है इनका तुल्य प्रतिरोध को आप आर ए मान लीजिए ठीक है वो क्या होता है तुल्य प्रतिरोध के व्यवतरम व्यवतक्रम जो होता है वो इनके व्योतक्रम के योग के बराबर होता है तो इनका व्योतक्रम का योग यानी कि एक बटे पंद्रह धन एक बटे दस धन एक बटे तीस ठीक है इससे कर लेंगे ठीक है अब इनको हल करेंगे तो इनका जो एलसीएम होगा वो तीस आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर दो पंद्रह दोनों तीस ठीक है और दो एक के दो यानी दो तीन ठीक है दस यानी तीस धन एक ठीक है तो ये कितना आ गया तीन दो तीन पाँच एक छ छ बटे तीस ठीक है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है बराबर लिख सकते हैं एक बटे पाँच या एक बटे आर ए बराबर एक बटे पाँच या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर ए बराबर पाँच ठीक है हमने ये देखिए इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया पाँच ओम आ गया ठीक है कितना आ गया पाँच ओम आ गया अब आर फोर और आर फाइव का तुल्य प्रतिरोध निकालना है आर फोर देखिए आर फोर बराबर इसमें दिया हुआ है आ, पाँच ओम ठीक है आर फोर बराबर पाँच ओम दिया हुआ है और आर फाइव दिया हुआ है बीस ओम ठीक है कितना दिया हुआ है बीस ओम दिया हुआ है तो इसमें हम मान लीजिए कि ए आर बी है ठीक है इसका तो प्रतिरोध यानी एक बटे पाँच सॉरी ये एक बटे आर बी होगा ठीक है तो क्योंकि ये दोनों क्या हैं समांतर क्रम में है ठीक है आर फोर और आर फाइव क्या है समांतर क्रम में है सीरीज में होते तो हम सीधे जोड़ देते हैं इनको लेकिन ये सीरीज में नहीं है सीरीज यानी कि श्रेणी में नहीं है ठीक है तो एक बटे पाँच धन एक बटे बीस ठीक है इसको हम हल कर लेंगे ठीक है तो ये कितना आ जाएगा इसका एल सी एम आएगा पाँच और ये हो जाएगा कितना पाँच चौक बीस ठीक है यानी कि चार धन एक ठीक है कितना हो गया पांच बटे बीस यानी कि एक बटे आर बी बराबर हो गया कितना आ, पाँच बटे बीस ठीक है पांच बटे बीस को सॉल्व करेंगे तो एक बटे चार आ जाएगा यानि आर बी बराबर आ गया चार ओम ठीक है आर बी बराबर कितना आ गया चार ओम आ गया अब क्या है अब यहाँ हमने इस तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध आर ए माना है और इसको आर बी माना है तो ये दोनों जो प्रतिरोध आर ए और आर बी होंगे वो सीरीज़ में होंगे तो हम इसका जो कुल प्रतिरोध आर आएगा उसको सीधे सीधे हम जोड़ लेंगे ठीक है यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए प्लस आर बी ठीक है ये बराबर कितना हो जाएगा पाँच धन चार ठीक है पाँच धन चार क्योंकि ये आर ए बराबर कितना आया था पाँच आया था ठीक है और आर बी बराबर चार ओम आया ठीक है तो ये बराबर कुल कितना हो गया 9 ओम हो गया ठीक है कितना हो गया 9 ओम हो गया यानी कि जो इसका कुल प्रतिरोध आया वो 9 ओम आ गया ठीक है इसमें आपसे पूछा भी है कि कुल प्रतिरोध कितना है प्रतिरोध हुआ विद्युत धारा की गणना कीजिए अब यहाँ पर हमें कुल प्रतिरोध मिल गया कितना 9 ओम ठीक है अब धारा ठीक है यहाँ पर हम V इक्वल आई आर का फार्मूला लगाएंगे जो ओम का नियम है ठीक है क्या है ओम का नियम है वी इक्वल आई आर यहाँ से आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपन आर ठीक है तो आई हमें धारा निकालना है अभी यानी कि वोल्टता इसमें दिया हुआ है अट्ठारह वोल्ट कितना दिया हुआ है अट्ठारह वोल्ट दिया हुआ है ठीक है तो वी बराबर कितना रखेंगे अट्ठारह रखेंगे ठीक है और आर जो आया है वो नौ आया है नौ ओम ठीक है तो इसको जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा टू यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई टू एम्पियर आ गई ठीक है टू एम्पियर ठीक है तो ये रहा इसमें धारा और प्रतिरोध ठीक है प्रतिरोध कितना आया ओम आया कुल प्रतिरोध और जो धारा का मान आया वो दो एम्पियर आया तो ये आपका प्रश्न नंबर तीसरे का का हो गया ठीक है तीसरे का का अब इसका अथवा वाला भी है इसमें क्या दिया हुआ है दो विद्युत लैम्प जिसके अनुमतांक सौ वाट और दो सौ बोल्ट व दो सौ वाट दो सौ बीस बोल्ट हैं पार्सव क्रम में संयोजित हैं ठीक है कैसे क्रम में पार्सो क्रम में ठीक है यानी समांतर क्रम में संयोजित हैं यदि मेंस की विद्युत आपूर्ति दो सौ है कितनी है 220 सौ है तो विद्युत मेंस में बहने वाली विद्युत धारा की गणना करना है क्या करना है विद्युत मेंस में बहने वाले विद्युत धारा की गणना करना है आइए देखते हैं कि इसका चित्र कैसे बनेगा ठीक है मान लीजिए मेंस का वोल्टेज है ठीक है इसमें दो सौ बीस वोल्टेज आ रहा है कितना आ रहा है दो सौ बीस वोल्ट आ रहा है और समांतर क्रम में क्या है कि दो बल्ब लगे हुए हैं ठीक है कि क्या लगे हुए हैं दो बल्ब लगे हुए हैं एक बल्ब मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है ठीक है और एक बल्ब समांतर क्रम में यहाँ पे लगा हुआ है ये बल्ब लगा हुआ है और इसने बताया है इसमें कि पहला जो है वो सौ वाट दो सौ बीस वोल्ट का है कितना है सौ वाट दो सौ बीस बोल्ट और दूसरा जो है दो सौ वाट और दो सौ बीस बोल्ट का है ठीक है पहला जो है सौ वाट दो सौ बीस बोल्ट का है और दूसरा जो है ये दो सौ बोल्ट दो सौ वाट का है ठीक है कितना है दो सौ वाट का है और दो सौ बीस बोल्ट ठीक है कितना है दो सौ बीस बोल्ट है तो ये क्या है हमें परिपथ में जो है धारा यानी आई का मान पता लगाना है ठीक है अब क्या है परिपथ में ये दोनों एक प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे क्या उत्पन्न करेंगे एक प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे तो इनका जो प्रतिरोध होगा प्रतिरोधकता होगी ठीक है वो क्या होगी बदलेगी नहीं जितनी होगी उतनी ही रहेगी तो हमें वही निकाल लेना है कैसे निकालेंगे हमें पता है कि विभवांतर दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है कितने वाट का है तो हमें फार्मूला पता है कि P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई वोल्ट इंटू ठीक है वोल्टेज यानी विभवांतर इंटू धारा ठीक है तो इससे पावर का पता चल जाता है इसको हम बदल सकते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर भी लिख सकते हैं वो कैसे क्योंकि हमें पता है V इक्वल आई आर होता है ठीक है क्या होता है V इक्वल आई आर ठीक है ओम के नियम से और यहाँ पर यदि आप i की वैल्यू देखें ठीक है वी स्क्वायर आई की वैल्यू यदि देखें तो i बराबर कितना हो जाएगा v अपान आर हो जाएगा और यही i की वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दिया हुआ है जिससे v बराबर सॉरी v स्क्वायर अपान कितना हो गया है आर हो गया है तो यहाँ से आप चेंज करके क्या कर सकते हैं आर बराबर वी स्क्वायर अपान आप पी लिख सकते हैं क्योंकि हमें वी पता है और पी पता है यानी कि पावर पता है पावर को वाट में मापते हैं इसमें दिया हुआ है ठीक है एक सौ वाट है एक दो सौ वाट है तो इतना हमें पता हो गया अब क्या है दो लगे हुए हैं तो इसका प्रतिरोध मान लीजिए आर वन होगा और इसका कितना होगा आर टू होगा ठीक है तो हम आर वन निकालने के लिए क्या करेंगे ठीक है पहले वी वन स्क्वायर अपान पी वन करेंगे ठीक है तो वी वन यहाँ पे देखिए V1 की वैल्यू कितना है 200 सौ बोल्ट है कितना है और P1 की वैल्यू कितना है सौ आठ है यहाँ लिख लीजिए ऐसे करके P1 वन इज इक्वल टू सौ आठ ठीक है और V1 वन इज़ इक्वल टू 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 ज़ीरो बोल्ट कितना हो गया ठीक है अब क्या है कि यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो R1 हमें पता चल जाएगा R1 वन इज इक्वल टू 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 ज़ीरो का स्क्वायर अपान पी वन यानी कि हंड्रेड ठीक है ये कितना हो जाएगा फोर एट फोर डबल ज़ीरो ठीक है इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा अपान हंड्रेड ठीक है ये क्या हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल ये कितना आ गया फोर एट फोर ओम आ गया कितना आ गया फोर एट फोर आर वन बराबर इतना आ गया अब आर टू आर टू हमें निकालना है ठीक है आर टू बराबर क्या हो जाएगा वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी टू वी टू यहाँ पर कितना है वी टू ये इसको वी टू आप मान लीजिए ठीक है और इसको क्या मान लीजिए पी वन मान लीजिए पी वन बराबर इस सॉरी पी टू पी टू बराबर कितना है दो सौ वाट है और वी टू बराबर वही है टू टू ज़ीरो वोल्ट ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा टू टू ज़ीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200 ये कितना हो गया फोर एट फोर डबल जीरो डिवाइडेड बाई 200 ठीक है 200 सौ यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल और ये कितना हो जाएगा टू से टू टू जा फोर टू फोर जाट ठीक है दो दूनी चार दो चौकाठ और दो दूनी चार यानी टू फोर टू ठीक है दो सौ बयालीस यानी कि आर टू बराबर कितना आ गया दो सौ बयालीस आ गया ठीक है आर टू बराबर दो सौ बयालीस आर वन चार सौ चौरासी आया आर टू कितना आया दो सौ बयालीस आ गया अब क्या करना है हमें इसका कुल प्रतिरोध निकालना है ठीक है क्या करना है कुल प्रतिरोध निकालना है चूंकि ये समांतर क्रम में लगी हुई हैं ठीक है क्रम लिखा हुआ है तो क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम ठीक है क्रम का मतलब यहाँ पर होता है समांतर क्रम ठीक है तो समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो समांतर क्रम में अभी हमने बताया कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं ठीक है तो आइए देखते हैं प्रतिरोधों को ठीक है अब कुल प्रतिरोध को आर मान लीजिए ठीक है तो क्या हो जाएगा आर वन सॉरी वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू ठीक है तो वन अपान आर इज इक्वल टू वन अपान आर वन कितना आया था फोर एट फोर प्लस ये कितना आया था यह आया था टू फोर टू इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा इसका एलसीएम ले, ले लेंगे तो फोर एट फोर ठीक है फोर एट फोर आ गया और यहाँ पे इसको वन uh, आ जाएगा ठीक है जब वन से डिवाइड uh, करेंगे और वन में मल्टीप्लाई करेंगे वन ठीक है और इसको क्या करें जब इसको मल्ट डिवाइड करेंगे तो टू आ जाएगा और टू से वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ठीक है यानी कि वन अपान आर इज इक्वल टू आ गया थ्री डिवाइडेड बाई फोर एट फोर या आर इज इक्वल टू आप लिखेंगे क्या लिखेंगे फोर एट फोर यानी चार सौ चौरासी बटा तीन ठीक है चार सौ चौरासी बटा तीन इसको आप जब भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा एक सौ इकसठ ठीक है आर बराबर आ जाएगा वन सिक्स वन पॉइंट थ्री एक सौ इकसठ दशमलव तीन तो आपको आर पता चल गया इसमें एक चीज़ और दे रखा है जो मेंस की आपूर्ति है ठीक है मेंस की आपूर्ति यानी मेंस में कितनी वोल्टेज आ रहा है वो दो सौ बीस बोल्ट आ रहा है कितना आ रहा है दो सौ आ रहा है अब आपको वोल्टेज पता है और यानी कि वी पता है और आर पता है तो आप आई निकाल सकते हो किस से वी इक्वल आई आर से ठीक है वी इक्वल आई आर आपका फार्मूला होता है ठीक है ओम का नियम है तो इसी से आप निकाल सकते हो वी इसने दिया है दो सौ बीस मेन से जो आ रहा है आई आपको निकालना है आर की वैल्यू आ गई कितनी वन सिक्स वन पॉइंट थ्री ठीक है ठीक है तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा दो सौ बीस बटे एक सौ इकसठ दशमलव तीन ठीक है कितना आ जाएगा एक सौ इकसठ दशमलव तीन तो आई बराबर जब इसको आप भाग देंगे ठीक है भाग देकर आप देखिएगा ए आएगा एक दशमलव तीन छः एम ठीक है कितना आएगा एक दशमलव तीन छः एम तो आपको पता चल गया कि इसमें धारा की मात्रा कितनी आएगी इस मेंस में ठीक है वो आएगा आ, एक दशमलव तीन छः एम आएगा तो आपके ये तीसरे का का हो गया ठीक है का में जो अथवा वाला था ये भी हो गया अब आपका बचा है तीसरे का खा क्या बचा है तीसरे का खा आ, तीसरे के खा में क्या कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए क्या है कि एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए पाँच मीटर की वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण लगा है ठीक है पाँच मीटर कि वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो पाँच मीटर की दूरी पर है ठीक है उसके प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति व साइज ज्ञात कीजिए ठीक है अब क्या है कि इसमें वस्तु की साइज तो दी नहीं है प्रकृति निकाल साइज निकाल लेंगे तो इसका आवर्धन हम निकाल लेंगे और इसमें फोकस दूरी नहीं दिया हुआ है तो हमें वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है ठीक है क्या दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है ठीक है या फिर कह सकते हैं फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो यहाँ से क्या है आप फोकस दूरी निकाल लेंगे और ये वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर v निकालना है ठीक है तो हमें लेंस का फार्मूला पता है आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है पाँच मीटर ठीक है कितना दिया हुआ है पाँच मीटर दिया हुआ है तो यहाँ से हम फोकस निकाल लेंगे ठीक है एफ बराबर होता है आर बाई टू यानी कि आ या जाएगा पाँच बटा दो ठीक है कितना आ जाएगा पाँच बटा दो और फोकस दूरी को हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस में लेंगे ठीक है किस में लेंगे माइनस में यानी कि माइनस पाँच बटा दो ठीक है और क्या दिया हुआ है इसमें देखिए इसमें ये फोकस दूरी दिया सॉरी वक्रता त्रिज्या दिया था पाँच मीटर तो हमने इसे फोकस दूरी निकाल लिया और करा पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो पाँच मीटर की दूरी पर है कितनी दूरी पर पाँच मीटर की दूरी पर यानी यू बराबर कितना दिया हुआ है पाँच मीटर की दूरी ठीक है तो यू को भी हम क्या करते हैं माइनस में लेते हैं ठीक है u बराबर माइनस पाँच मीटर तो हमें यह पता है और u पता है ठीक है हमें निकालना क्या है जो है प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है प्रतिबिंब जो है लेंस से कितनी दूर बनेगा यानी कि वी हमें क्या करना है इसे निकालना है लेंस का सूत्र हमें पता है कि वन अपान एफ इज इक्वल टू होता है वन अपान भी माइनस वन अपान यू ठीक है क्या है वन अपान भी माइनस वन अपान यू तो ये वन अपान एफ यानी कि फोकस दूरी आपको पता है माइनस फाइव बाई टू है ठीक है कितना है माइनस फाइव बाई टू है तो यहाँ जब वन अपान फाइव बाई टू करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू बाई फाइव आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस टू बाई फाइव ठीक है क्या आ जाएगा माइनस टू बाई फाइव क्योंकि जो है ये यह बराबर था माइनस फाइव बाई टू तो ये वन अपान एफ इज़ इक्ल टू हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव बराबर वन अपान वी वी हमें निकालना है माइनस वन अपान यू यू बराबर माइनस पाँच है कितना है u बराबर माइनस पाँच है अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ठीक है क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आप ऐसे लिख सकते हैं टू बाई फाइव इज इक्वल टू वन अपान भी प्लस वन अपान फाइव इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए ठीक है या फिर इसको इस इस साइड ले जाइए और ये वन अपान भी इधर कर लीजिए ठीक है तो वन अपान भी ठीक है इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव क्या हो गया वन अपन वी इज इक्वल टू माइनस टू बाई ऐसे देख लीजिए जब इसको ये आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस टू बाई फाइव पहले से है यहाँ माइनस वन बाई फाइव हो जाएगा और ये वन बाई वी जो है ये प्लस में ही रहेगा तो हमने इसको पहले से इधर कर लिया ठीक है पछ्छर कर लिया यानी पस चेंज कर लिया है ठीक है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ठीक है ये देखिए इसका एल्सियम हो जाएगा पाँच ये माइनस टू माइनस वन ठीक है तो वन अपान वी इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री माइनस थ्री बाई फाइव यानी वी इज इक्वल टू हो गया माइनस फाइव बाई थ्री कितना हो गया माइनस फाइव बाई थ्री अब ये डिस्टेंस होता है ठीक है तो हम माइनस में डिस्टेंस को नहीं लेते ठीक है डिस्टेंस को माइनस में नहीं मेजर कर सकते तो इसको प्लस में ही रहने देंगे और इसको जब डिवाइड करेंगे तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर ठीक है कितना ये आ तो माइनस में रहा लेकिन माइनस में मेजर नहीं करते ठीक है तो क्या करेंगे इसको प्लस में ही रहने देंगे तो वन पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर यानी जो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होगी कितनी होगी एक दशमलव मीटर होगी ये हो गया ठीक है अब आवर्धन एम बराबर क्या होता है वी अपन यू ठीक है v वी आने फाइव बाई थ्री पॉजिटिव में ही हम लेंगे ठीक है तो क्या है फाइव बाई थ्री है और u का मान कितना था फाइव था ठीक है तो इसको जब साल्व करेंगे तो फाइव बाई थ्री इंटू वन बाई फाइव फाइव से फाइव कैंसिल यानी कि वन बाई थ्री ये इज इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री यानी कि जो आकार होगा वो कितना होगा दसमलव तीन तीन गुना आवर्धित होगा कितना होगा दसमलव तीन तीन गुना आवर्धित होगा और वो सीधा आभासी व छोटा देखेगा ठीक है क्या होगा सीधा आभासी व छोटा दशमलव तीन तीन गुना आवर्धित हो रहा है ना तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या तीसरे का खा ठीक है तीसरे का खा हो गया अब इसका एक अथवा वाला भी है इसमें देखिए क्या दिया हुआ है अथवा वाले में कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी पंद्रह सेंटीमीटर है कितना है अवतल लेंस की फोकस दूरी पंद्रह सेंटीमीटर है लेंस से तीस सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है ठीक है क्या पूछ रहा है प्रतिबिंब जो है लेंस से कितनी दूर है और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए ठीक है आवर्धन क्षमता भी हमको निकालना ध्यान दीजिएगा ये चार नंबर में है ठीक है तो आप इसको अच्छे से समझिए फोकस दूरी एफ बराबर दिया हुआ है पंद्रह सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है पंद्रह सेंटीमीटर तो ये अवतल का है ठीक है किसका है अवतल दर्पण का ठीक है एक सॉरी अवतल लेंस है अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम माइनस में लेंगे ठीक है किस में लेंगे माइनस में लेंगे तो ये माइनस पंद्रह सेंटीमीटर हो गया और जो वस्तु की दूरी u दिया हुआ है वस्तु की दूरी को हम माइनस में रखते हैं ये तीस सेंटीमीटर दिया हुआ है ठीक है लेंस से तीस सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है ठीक है क्या है तीस सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है ठीक है तो इसको कितना लेंगे माइनस तीस सेंटीमीटर अब क्या है लेंस का सूत्र हमें पता हुआ है ठीक है लेंस का सूत्र क्या होता है वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू। ठीक है इसमें में हम रखेंगे वन अपान एफ एफ की वैल्यू माइनस पंद्रह ठीक है वी हमें फाइंड आउट करना है और माइनस वन अपान माइनस तीस ठीक जैसे अभी इसके पहले सॉल्व किया है ठीक वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे आ रही बात समझ में ये हो जाएगा प्लस ठीक है तो वन अपान माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू वन अपान भी प्लस वन अपान थर्टी तो यहाँ से वन अपान भी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना वन अपान माइनस फिफ्टीन और माइनस वन अपान थर्टी पच्छांतर कर लिया हमने साइड चेंज कर लिया है ठीक है साइड चेंज कर लिया है तो ये हमें मिल गया इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वन अपान भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका एल्शियम कितना हो गया थर्टी माइनस टू माइनस वन ठीक है यानी कि माइनस थ्री बाई थर्टी ठीक है या माइनस वन बाई टेन कितना आ गया माइनस वन बाई टेन यानी वी इज इक्वल टू कितना आ गया वो माइनस टेन सी एम आ गया ठीक है कितना आ गया माइनस टेन सी एम माइनस टेन सी एम का मतलब ये है कि ये बाई तरफ बन रहा है ठीक है तो यहाँ पर भी आप पॉजिटिव जो है वी इज इक्वल टू टेन सी एम ही लेंगे ठीक है तो क्या है कि ये आ गया आपका जो है माइनस टेन और दूरी जो है कभी माइनस में नहीं होती तो आप क्या है ये मानिए कि जो लेंस लगा हुआ उसके बाई ओर आया है ठीक है यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस के बाई ओर बन रहा है ठीक है जैसे कि यहाँ पर यदि लेंस है तो इसके इस साइड में ठीक है लेंस यहाँ पर है तो इसके इस साइड में चित्र बन रहा है ठीक है और इसका जो आवर्धन होगा यानी कि साइज ठीक है एम इज़ इक्वल टू हो जाएगा व्हीॉन यू तो v यहाँ पर आया है माइनस टेन ठीक है अगर यहाँ पॉजिटिव ले लिए हैं तो आप u भी पॉजिटिव लेंगे ठीक है नेगेटिव रख रहे हैं तो नेगेटिव क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव में ही लिया जाता है माइनस थर्टी यू बराबर माइनस थर्टी या फिर पॉजिटिव ही कर लीजिए या माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो कितना आ गया ये वन बाई थ्री आ गया वन बाई थ्री यानी कि ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री ठीक है आवर्धन कितना आ गया जीरो पॉइंट थ्री थ्री आ गया प्रतिबिंब जो होगा सीधा आभासी व छोटा बनेगा ठीक है आवर्धन है तो छोटा ही बनेगा ठीक है हेलो वेलकम अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें Thank you so much.